हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह के 6 बज रहे हैं और मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है। और सुबह मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और घर के कुछ लोग सो के उठे हुए हैं और कुछ लोग सो रहे हैं। सबसे पहले मैं चूल्हे को साफ कर लेती हूँ और इसका जो राख है उसको उठाकर एक तस्तले में रख लेती हूँ। और यहाँ पे जो है सफ़ेद मिट्टी को फोड़ के चूल्हे का लेप तैयार करेंगे। चूल्हे को अच्छे से लीप लेते हैं। और हमने उड़द की दाल को 6 से 7 घंटे रात में भिगो के रखे थे, इसको हम अच्छे से धुल के साफ कर लेते हैं। उड़द की दाल को अच्छे से हमने धुल के साफ कर लिया है। अब हम लहसुन का छिलका उतार लेते हैं। लहसुन का छिलका भी हमने उतार लिया है। अब हम उड़द की दाल को पीस के तैयार करते हैं। सब्जियों को हम एक टोकरी में से छांट लेते हैं। प्याज का छिलका उतार लेते हैं। इधर मित्या मंदिर बनाकर खेल रही है और पूजा कर रही है। और अदरक का भी छिलका उतार लेते हैं। आलू भी छिलके तैयार कर लेते हैं। अब सभी को अच्छे से धुलकर साफ कर लेते हैं।
सब्जियों को हमने धुल के साफ कर लिया है। और ये हमारी भाभी हैं, ये हमारा दाल पीसने में मदद करती हैं। थोड़ा सा दाल अभी बाकी रह गया था पीसने के लिए, तो वो पीसती हैं। इसमें लहसुन, हरी मिर्च और हींग और जीरा लेके पीसती हैं। और यहाँ पर सब्जियों को धुलने के बाद इनको हम काट के तैयार कर लेते हैं। दाल हमारा पीस गया है, अब इसमें हम मसाले मिलाएंगे। गरम मसाला और हल्दी मिलाकर इसको एक थाली में रख लेते हैं। चूल्हे में ईंधन को जलाने के लिए रूम से ईंधन निकालती हूँ। यहाँ पर ईंधन को जलाती हूँ। और एक पतीले में दूध रखती हूँ, दूसरी तरफ कढ़ाई रख देती हूँ और यहाँ पे सब्जी के लिए भाभी मसाला तैयार कर रही हैं। धनिया और गरम मसाला, हल्दी, लहसुन, हरी मिर्च पीस कर तैयार करती हैं। जो साबुत मसाले हैं खड़े, उनको थोड़ा सा वो कूट लेती हैं। और यहाँ पर मैं देसी घी डालती हूँ कढ़ाई में सेवई को भुनने के लिए। सेवई को थोड़ा ब्राउन होने तक भुनेंगे। और ये मसाला सब्जी का पीस के तैयार कर लिया है भाभी ने, तो अब सेवई हमारी जो है भुन के तैयार है। इसको एक थाली में निकाल लेते हैं। दूध को एक बार चला देते हैं कि नीचे से जो है लगे ना। और इसी कढ़ाई में हम सब्जी भी बनाएंगे, तो इसमें हम सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल डालते हैं कढ़ाई में और पचफोरन डालते हैं और इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे और हरी मिर्च डाल के प्याज को भूनते हैं। दूध में हमारे उबाल आ गया है, दूध को हम पकने देते हैं और प्याज ब्राउन होने के बाद आलू भी डाल देते हैं और कटा हुआ परवल भी डालेंगे। परवल और आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब हमारा आलू और परवल जो कि हमने इसको भून लिया है, अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला और थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला डालेंगे सब्जी में अच्छा स्वाद आने के लिए। अब इसमें मसाला भूनने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और कटा हुआ इसमें टमाटर डालेंगे और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे और मसालों को हम कुछ देर तक भूनेंगे। दूध में सूखे मेवे डालेंगे। स्वाद के अनुसार चीनी डालते हैं इसमें।
और इधर एक तरफ सब्जी और हमारा जो है सेवई पक रहा है, तो इधर हम आटा को चाल के तैयार कर लेते हैं। आटा चालने के बाद आटा को गूंथ के तैयार कर लेती हूँ और इधर दूध में अच्छे से चीनी हमारा घुल गया है, तो इसमें हम भुना हुआ सेवई डाल देते हैं। ये हमारा गांव का एकदम देसी दूध है, इसमें सेवई जो है बहुत अच्छा बनेगा, इसमें सेवई जो है बहुत अच्छा बनता है देसी दूध में। तो सेवई को हमने डाल दिया और सेवई हमारा पक के तैयार है। आटा जो है हमने गूंथ के तैयार कर लिया है, अब सेवई को हम उतार देते हैं। सब्जी का मसाला भी हमारा अच्छे से भून गया है, इसमें हम ग्रेवी के हिसाब से थोड़ा पानी डालेंगे। अब इसको हम ढककर पकने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ हम कढ़ाई रखते हैं और उसमें हम तेल डालते हैं। सब्जी हमारी बन गई है, इसको हम चूल्हे से उतार देते हैं और हम कचौड़ी के लिए पूड़ी को बेलना शुरू करते हैं। उड़द की दाल में नमक मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें नमक मिला दिया हमने, अब इसको आटे की लोई लेके आटे के डो में भर के तैयार करेंगे। इसको हल्के हाथों से बेल के हमने तैयार किया है। अब तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे एक एक करके कचौड़ियाँ, इसको ब्राउन होने तक अच्छे से तलेंगे और साथ में हम सादी पूड़ियाँ भी बना रहे हैं। सादी पूड़ी को हम एक थाली में निकाल लेते हैं और कचौड़ी भी हमारा अच्छे से ब्राउन होके पक चुका है, तो इसको भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो हमारा कचौड़ी और सब्जी और सेवई बनके तैयार है, बहुत ही अच्छा बना है। तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।